हेलो दोस्तों, मैं पूजा गर्ग स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल हर एक एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप सबको ये भी पता है कि हरियाणा में ग्रुप डी की वैकेंसी निकल चुकी है और उसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट भी हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर का सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि आजकल हर एक एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मेरी HSSC के लिए पहली वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट पर टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि जब हमारा देश में कैशलेस हुआ था, तब हमारे हरियाणा का कौन सा ऐसा गांव था जो सबसे पहले कैशलेस हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नीलावली। नीलावली जो गांव है वो सिरसा का एक गांव है जो सबसे पहले कैशलेस हुआ था। आप सबको इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमारे हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। हमारा हरियाणा के CM कौन है, मनोहर लाल खट्टर। अब आप सबके लिए ये क्वेश्चन है कि हमारे हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। हमारे हरियाणा के जो राज्यपाल थे कप्तान सिंह सोलंकी, वो अब हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे। तो आप सब मुझे कमेंट करके बताना हमारे हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों मतलब कॉमनवेल्थ गेमों में हरियाणा ने कितने पदक जीते। कॉमनवेल्थ गेम 2018 अभी अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था, तो इसमें हमारे इंडिया ने टोटल 66 मेडल जीते हैं, जिसमें हमारे हरियाणा ने 22 मेडल जीते हैं। उन 22 मेडल में 9 मेडल जो आते हैं वो आते हैं गोल्ड, सिल्वर है 6 और ब्रॉन्ज है 7। तो आप सबको ये बात याद रखनी है कि कॉमनवेल्थ गेम 2018 में टोटल मेडल 66 हैं, उसमें हरियाणा के मेडल हैं 22। आप कैटेगरी वाइज याद रखना, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज। अगला हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला पैरालंपिक भवन कहाँ बनेगा। देश का पहला पैरालंपिक भवन जो बनेगा वो बनेगा फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पालतू पशुओं को आवारा छोड़ने पर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा। जो इंसान भी हरियाणा में पालतू पशुओं को आवारा छोड़ता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर टोटल 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी अभी मैंने आपको कुछ बताया था कि हमारे हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। हमारे हरियाणा के CM कौन है, मनोहर लाल खट्टर। तो आप हर क्वेश्चन के साथ रिवाइज करते रहिए ताकि रिवीजन के थ्रू आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला साइकिल दिवस कब मनाया गया। आप सबको ये नॉलेज होनी चाहिए कि 2018 में पहली बार साइकिल दिवस मनाया गया है, वो मनाया गया है 3 जून को। अगला क्वेश्चन है, मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास हाल ही में कहां आयोजित किया गया था। मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास जो है वो युद्ध अभ्यास किस चीज का युद्ध अभ्यास है आपको पता होना चाहिए। भारत, जापान और अमेरिका, इन तीनों देशों की जो नौसेना है वो ये युद्ध अभ्यास प्रैक्टिस करते हैं। ये 2018 में कहां हुआ था, ये हुआ था मनीला की राजधानी फिलीपींस में। इस क्वेश्चन के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की राजधानी आप सबको पता है दिल्ली है, जापान की राजधानी टोक्यो और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC। और जापान की मुद्रा, भारत की जो मुद्रा है वो है रुपीस, जापान की जो मुद्रा है वो है येन और अमेरिका की जो मुद्रा है वो है डॉलर। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, जब भी इनका दोबारा नाम आएगा आप सबको ये रिवीजन करनी है ताकि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा याद रहे। अगला क्वेश्चन है, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। ये एक बुक है जो हमारे उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने लिखी है और इसका उद्घाटन हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो आपको याद रखना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, हमारे उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू। यहीं से आपको एक क्वेश्चन हमारी पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे जो राज्यसभा है
उस राज्यसभा में हमारे जो पदेन सभापति होते हैं वो होते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति, आपको ये बात याद रखनी है। और राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल, और लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि मुगलसराय जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अब यहाँ अगर रेलवे का नाम आया है तो आप सबको ये पता होना चाहिए प्रेजेंट टाइम इस टाइम पे हमारे रेलवे मंत्री कौन है। रेलवे मंत्री जो है वो हमारे हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के पास रेलवे मंत्रालय के साथ साथ कोयला मंत्रालय भी है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि रेलवे राज्य मंत्री कौन है तो आपका आंसर होगा मनोज सिन्हा। यहाँ राज्य मंत्री का मतलब सभी राज्यों में अलग अलग मंत्री से नहीं है, राज्य मंत्री का मतलब होता है जो हमारे रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं उनके नीचे उनको हेल्प करने के लिए एक और मंत्रालय है जिसको बोलते हैं रेलवे राज्य मंत्री। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो रेलवे राज्य मंत्री है वो है मनोज सिन्हा, आपको ये बात याद रखनी है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको कि जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से लेके थाने तक। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि रेलवे दिवस हर साल कब मनाया जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए 16 अप्रैल। हमारा अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, फीफा विश्व कप 2018 किस देश में हुआ? अभी अभी आपको पता है कि फीफा विश्व कप हुए हैं, तो अभी अभी कॉमनवेल्थ भी हुए हैं 2018 में, उसके साथ साथ कुछ अन्य गेम्स भी हुए हैं जैसे एशियन गेम हुए हैं, तो सभी गेम्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो फीफा विश्व कप 2018 रूस में हुआ है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रूबल। आप सबको ये पता होना चाहिए कि फीफा जो विश्व कप है 2018 किसने जीता? तो फीफा जो विश्व कप है 2018 जो जीता है वो जीता है फ्रांस ने, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस और करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2014 कहाँ हुआ था? यहाँ से आपको एक बात समझ आ गई होगी कि जो फीफा विश्व कप है हर 4 साल बाद होता है, तो आपको 2014, 2018 और 2022 का याद करना है, और जिन देशों का भी नाम आता है उनके साथ साथ में आप कैपिटल और करेंसी याद करते जाइए। 2014 का जो फीफा विश्व कप हुआ था वो हुआ था ब्राजील में, और ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया, और यहाँ करेंसी जो यूज होती है वो यूज होती है रियल। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ होगा? तो आपको ये याद रखना है कि ये होगा कतर में, कतर की राजधानी है दोहा, और कतर की जो करेंसी है वो है रियाल। अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, रियल करेंसी अलग है और रियाल करेंसी अलग है। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा महिला पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि 5 अगस्त को हमारे हरियाणा में हरियाणा पुलिस दिवस मनाया जाता है। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैं इसी तरीके की और सीरीज लेके आऊंगी ताकि आपकी हरियाणा ग्रुप डी की कंप्लीट तैयारी हो सके। थैंक यू।